दोस्तों, एक तरफ है बतिस्ता जो अपने प्राइम टाइम में अपनी कोबरा बैक को लेकर काफी फेमस थे। दोस्तों, दूसरी तरफ है गोल्डबर्ग जो अपने प्राइम टाइम में अपने मैसिव ट्रैप्स को लेकर काफी फेमस थे। क्या करता है रे तेरी तो? दोस्तों, एक तरफ है बतिस्ता जिसकी बॉडी अपने प्राइम टाइम में काफी मस्कुलर थी, शोल्डर काफी उठे हुए थे, बिल्कुल एक शेष नाक की तरह। दोस्तों, दूसरी तरफ है गोल्डबर्ग जिसकी बॉडी अपने प्राइम टाइम में काफी तगड़ी थी, छाती काफी चौड़ी और मजबूत थी, बिल्कुल एक चट्टान की तरह। दोस्तों, आज के टाइम के यूथ का जो सपना होता है जिम के अंदर जाकर मस्कुलर बॉडी बनाने का, वैसी बॉडी बतिस्ता ने आज से 20 साल पहले ही बना के छोड़ दी थी। You are right, bro. और दूसरी तरफ है दी आइकॉनिक गोल्डबर्ग जिसकी बॉडी अपने प्राइम टाइम में काफी तगड़ी और सॉलिड थी, बिल्कुल एक देसी पहलवान जैसी, बाहुबली टाइप की। हॉकी मारोगे तो हॉकी टूट जाएगी लेकिन बॉडी पर कुछ नहीं होगा। आप तो एकदम राइमिंग बोलेंगे भैया जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल पंडे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे द एनिमल बतिस्ता वर्सेस द आइकॉनिक गोल्डबर्ग के बारे में, WWE के दो ऐसे सुपरस्टार के बारे में जो अपने प्राइम टाइम में अपनी ताकत के साथ साथ अपनी फिजिक को लेकर भी काफी फेमस थे। अपने प्राइम टाइम में इनकी बॉडी काफी तगड़ी थी। दोस्तों, इनके प्राइम टाइम में ही नहीं, आज भी काफी सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बतिस्ता और गोल्डबर्ग जैसी फिजिक बनाना चाहते हैं, बिल्कुल एक मजबूत पहाड़ और चट्टान जैसी कि सामने वाला बंदा भी फालतू बोलने से पहले 10 बार सोचे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो दोस्तों, बतिस्ता और गोल्डबर्ग में से किसकी फिजिक ज्यादा तगड़ी है, बतिस्ता और गोल्डबर्ग में से किसके जैसी फिजिक लोग बनाना चाहते हैं, और पर्सनली अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई तू बता तू किसके जैसी फिजिक बनाना चाहता है, बतिस्ता या फिर गोल्डबर्ग, ये सब आपको पता चलेगा आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी तगड़ी होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अभी मजा आएगा ना वीडियो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए राहुल पंडित को और फुल सपोर्ट दिखाए भाई को। दोस्तों, WWE में बतिस्ता की हाइट अपने प्राइम टाइम में 6 फुट 5 इंच बताई जाती थी और वेट 300 पाउंड, लेकिन जहां बात आती है गोल्डबर्ग की, तो गोल्डबर्ग की हाइट अपने प्राइम टाइम में 6 फुट 4 इंच बताई जाती थी और वेट 285 पाउंड। इसके अलावा दोस्तों, बतिस्ता की चेस्ट अपने प्राइम टाइम में 55 इंच की थी और बाइसेप 22 इंच के थे, लेकिन जहां बात आती है गोल्डबर्ग की, तो गोल्डबर्ग की चेस्ट अपने प्राइम टाइम में 55 इंच की थी और बाइसेप 21 इंच के थे। तो दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं ये दोनों सुपरस्टार अपने प्राइम टाइम में काफ़ी तगड़े रेसलर थे, और लगभग 300 पाउंड वेट होने के बावजूद इनकी बॉडी काफ़ी तगड़ी और मजबूत थी, बिल्कुल एक चट्टान जैसी। दोस्तों, अगर हम बात करें दी एनिमल बतिस्ता की, तो अपने प्राइम टाइम में बतिस्ता WWE सुपरस्टार होने के साथ साथ काफ़ी तगड़े बाउंसर और बॉडी बिल्डर भी थे। दोस्तों, 6 फुट 5 इंच हाइट और 300 पाउंड वेट होने के बावजूद बतिस्ता की बॉडी इतनी ज़्यादा तगड़ी, मस्कुलर, रिब्ड और श्रेडेड थी कि ये बंदा साल के 365 दिन स्टेज पर जाकर कॉम्पिटिशन लड़ सकता था और फर्स्ट पोजिशन या फिर फर्स्ट प्राइज ले सकता था, क्योंकि लगभग 300 पाउंड वेट होने के बावजूद बतिस्ता की बॉडी काफ़ी रिब्ड और मस्कुलर थी, बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी कम था, और इतनी रिब्ड और श्रेडेड बॉडी होने के बावजूद डोले का साइज 22 इंच का था, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आज के टाइम के यूथ का जो सपना होता है जिम के अंदर जाकर मस्कुलर बॉडी बनाने का, वैसी बॉडी बतिस्ता ने आज से 20 साल पहले ही बना के छोड़ दी थी। दोस्तों, आपने WWE में सुपरस्टार तो बहुत सारे देखे होंगे, किसी की चेस्ट तगड़ी होती है तो किसी का बाइसेप्स तगड़ा होता है, लेकिन बतिस्ता एक ऐसा सुपरस्टार है जो अपने प्राइम टाइम में हर चीज में नंबर वन था, फिर चाहे बात हो हाइट की, वेट की, चेस्ट की, बाइसेप्स की, थाई की। यही नहीं दोस्तों, बतिस्ता अपनी बैक और शोल्डर को लेकर भी काफ़ी फेमस थे। बतिस्ता जैसे शोल्डर बनाना आज भी जिम के अंदर काफ़ी सारे लोगों का एक ड्रीम होता है। इसके अलावा दोस्तों, 300 पाउंड वेट होने के बावजूद बतिस्ता की एब्स बिल्कुल क्लीन नज़र आती थी, और यही रीज़न है कि बतिस्ता साल के 365 दिन बॉडी बिल्डिंग में कॉम्पिटिशन लड़ सकता था। इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी तगड़ी बॉडी होने के साथ साथ बतिस्ता की पर्सनैलिटी भी काफ़ी तगड़ी थी, ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में बतिस्ता बिल्कुल हीरो लगता था। दोस्तों, अगर हम बात करें गोल्डबर्ग की, तो अपने प्राइम टाइम में गोल्डबर्ग WWE सुपरस्टार होने के साथ साथ फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर और काफ़ी तगड़े बॉडी बिल्डर भी थे,
दोस्तों 6 फुट 4 इंच हाइट और 285 पाउंड वेट होने के बावजूद गोल्डबर्ग की बॉडी काफ़ी तगड़ी और मजबूत थी, बिल्कुल एक चट्टान जैसी सॉलिड बॉडी मर्दाना टाइप। जी हाँ दोस्तों, अपने प्राइम टाइम में गोल्डबर्ग की बॉडी काफ़ी सॉलिड और मजबूत थी, बिल्कुल एक देसी पहलवान जैसी, बिल्कुल एक धाकड़ बॉडी बाहुबली टाइप। दोस्तों अगर आप किसी बाहुबली की कल्पना करोगे तो आपके सामने गोल्डबर्ग जैसी फिजिक आएगी, जो दूध लस्सी दही और देसी घी खाकर बनी हो, बिल्कुल देसी बॉडी मजबूत बाहुबली टाइप। इसके अलावा दोस्तों गोल्डबर्ग अपने प्राइम टाइम में अपने ट्रैप्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। दोस्तों अगर हम बात करें अपने फाइनल डिसीजन की तो एक तरफ है दी एनिमल बतिस्ता, जिसकी बॉडी अपने प्राइम टाइम में काफ़ी तगड़ी मस्कुलर रिब्ड और श्रेडिड थी, बिल्कुल एक बॉडी बिल्डर जैसी, और दूसरी तरफ है दी आइकॉनिक गोल्डबर्ग, जिसकी बॉडी अपने प्राइम टाइम में काफ़ी तगड़ी और सॉलिड थी, बिल्कुल एक देसी पहलवान जैसी बाहुबली टाइप की। हॉकी मारोगे तो हॉकी टूट जाएगी लेकिन बॉडी पर कुछ नहीं होगा। दोस्तों अब बात यह आती है कि बतिस्ता और गोल्डबर्ग में से किसकी फिजिक ज़्यादा तगड़ी है और किसके जैसी फिजिक लोग बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों जिस तरह पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है, उसी तरह सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। You are right, bro. किसी का ड्रीम बतिस्ता जैसी बॉडी बनाने का होता है बॉडी बिल्डर टाइप, तो किसी का ड्रीम गोल्डबर्ग जैसी बॉडी बनाने का होता है बाहुबली टाइप। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे से पूछोगे तो बचपन में मेरा एक ड्रीम था कि मैं बतिस्ता जैसी बॉडी बनाऊं, लेकिन अब मेरा ड्रीम है कि मैं गोल्डबर्ग जैसी बॉडी बनाऊं। क्योंकि दोस्तों बतिस्ता जैसी बॉडी बनाने के लिए बॉडी को काफ़ी मेंटेन करके रखना होता है, बॉडी का फैट परसेंटेज काफ़ी कम करना पड़ता है, डाइट पर काफ़ी ध्यान देना होता है कि प्रोटीन इनटेक कितना होना चाहिए, कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए और भी बहुत कुछ। और इतना ध्यान कौन देगा, मुझे कौन सा बॉडी बिल्डिंग की लाइन में जाना है या फिर मुझे कौन सा कंपटीशन लड़ना है। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। लेकिन दोस्तों जहां बात आती है गोल्डबर्ग की, तो गोल्डबर्ग की बॉडी बिल्कुल एक देसी पहलवान जैसी है, बाहुबली टाइप, और ऐसी बॉडी हर कोई बनाना पसंद करता है, फिर चाहे कोई बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, क्योंकि गोल्डबर्ग की बॉडी देखने में बॉडी बिल्डर जैसी नहीं लगती बल्कि देसी पहलवानों जैसी लगती है, जो देसी चीज़ें दूध लस्सी दही और देसी घी खाकर बनी हो। लेकिन दोस्तों जहां बात आती है बॉडी बिल्डिंग में स्टेज कंपटीशन की, तो वहां बतिस्ता गोल्डबर्ग को फिजिक के मामले में हरा देगा, क्योंकि उस टाइम पर बतिस्ता जैसी फिजिक देखी जाती है। You are right, bro. लेकिन फिर भी दोस्तों ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से बतिस्ता और गोल्डबर्ग में से किसकी फिजिक ज़्यादा तगड़ी है वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बतिस्ता वर्सेस गोल्डबर्ग में से रियल में कौन तगड़ा है, इस टॉपिक पर भी मैं फुल डिटेल में एक कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।